आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नगर पंचायत जीएनपुर के बिलेरियागंज मार्ग पर शहीद सौदागर सिंह गली और सब्जी मंडी के पास नाली जाम होने के कारण बरसात का पानी लग जाता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पानी लग जाने की वजह से आना जाना भी दूभर हो जाता है। नगर के कुछ लोगों ने इसकी शिकायत टाउन एरिया कार्यालय पे की, लेकिन इसका कोई अभी तक निस्तारण नहीं निकल पाया। जब लोग बेबस हो गए तो जीएनपुर नगर के पूर्व चेयरमैन रहे स्वर्गीय मूल्य गुप्ता के आवास पर पहुंचे और उनके पुत्र दीपक गुप्ता से अपनी समस्या बताई। दीपक गुप्ता ने आरोप लगाते हुए बताया कि नगर पंचायत में जो मेरे द्वारा कार्य कराया जा रहा है, उसको वर्तमान चेयरमैन अपना कार्य दिखाकर पैसा निकाल ले रहे हैं। इसके अलावा नगर में तमाम समस्याएं हैं, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरे पिताजी के कार्यकाल में लगाई गई लाइट का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। सौदागर सिंह गली और सब्जी मंडी के पास अक्सर नाली जाम रहती है और पानी लगा रहता है, लेकिन लापरवाह नगर पंचायत कोई ध्यान नहीं देता, जिससे नगर वासियों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने मांग किया कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निस्तारण किया जाए, ताकि नगर वासियों को हो रही दिक्कतें समाप्त हो। वहीं इस मामले में चेयरमैन हरिशंकर यादव से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब से कोरोना महामारी आई है, तब से शासन की तरफ से सिर्फ सैलरी आ रहा है, बाकी कोई भी निधि नहीं आ रही है। उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि नगर की समस्या से मैं अवगत हूँ, त्योहार और मौसम खराब होने की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। जैसे ही मौसम सही होगा, मैं कार्य करवा दूंगा। न्यूज 9 भारत के लिए सरफुद्दीन आजमी की खास रिपोर्ट। है पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत जी के लड़के बड़े हैं। ये आपके नगर में जो समस्या है बिलेरियागंज रोड पे, हम देख रहे कि पानी लगा है सब्जी मंडी से लेकर सही सौदागर सिंह के दरवाजे पर। हाँ देखिए, नगर पंचायत द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है। 5 साल बीतने को है, चुनाव सामने है, आए दिन नाले और गड्ढे में पानी भर जा रहे हैं। सब यहीं देख लीजिए, बाबू साहब का गली है, वहाँ पर आए दिन जल जमा हो जा रहा है। लोग परेशान है, कहते कहते थक गए, अप्लीकेशन देते देते थक गए। नगर पंचायत द्वारा कोई भी उस पर सुनवाई नहीं किया जा रहा है। आए दिन लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। नगर पंचायत को सिर्फ चाहिए तो उनको खाली किस चीज़ में उनको ज़्यादा कमीशन मिले, उसी में उनका सिस्टम बने। नगर पंचायत में लाइटें लगी हुई थी जी, उसके संदर्भ में जी, हमारे पिताजी के कार्यकाल में सोलर लाइट करीब करीब मान के चले 200 से ऊपर हर घर पीछे सोलर लाइट दिया गया था। और हमारे पिताजी के हारते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष जी द्वारा सारी लाइट को कटवा के पता नहीं क्या किए कि आज तक उस लाइट का कोई विवरण मांगने नहीं गया। हर दरवाजे से इन्होंने लाइट काटने का काम किया। प्रशासन भी नहीं खोजी कि अगर पूर्व चेयरमैन साहब लाइट लगवाए हैं तो लाइट कहाँ गई, इसके बारे में आप लोग को भी जानकारी होना चाहिए कि नगर पंचायत जीएनपुर में भारी धांधली हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है और जो चाहें जैसे चाहें तैसे अपना बल से प्रयोग कर रहे हैं। अब सामने देखिए लद्दाबाव का उर्स, उनके सामने पूरा रास्ता डैमेज हुआ है। वहाँ के कुछ जनता सम्मानित लोग आए हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ कहें कि भाई दीपक जी थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, कार तो नहीं कराऊंगा, चूँकि कार करा रहा हूं तो नगर पंचायत अध्यक्ष जो है पेमेंट करवा ले रहे हैं, चूँकि भाई मजार का बात है, नगर पंचायत की बात है, जनता की सेवा के लिए मैं तत्पर। आप ये भावी चेयरमैन के रूप में नगर पंचायत में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं नगर विकास में हमारे कार्यकाल में, लोग पूरे जीएनपुर की जनता जानते हैं कि हमारे कार्यकाल में क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारे कार्यकाल में छोटा सा बच्चा भी आ जाए उसकी पूरी सुनवाई की जाती है, और बड़े बुजुर्ग चाचा जो भी हैं सबका सम्मान हमारे कार्यकाल में था, किसी को नहीं नहीं किया जाता था, सबका कार्य किया जाता था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।